नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। थाना फरिया का रहने वाला पीड़ित व्यक्ति आया जिलाधिकारी कार्यालय। इस दौरान पीड़ित धर्मपाल शर्मा ने अपनी बात कही। जिलाधिकारी ने मामले की तत्काल कार्रवाई होने का आश्वासन दिया। पीड़ित व्यक्ति आए दिन जिला मुख्यालय में फरियाद लगाता है। धर्मपाल शर्मा, हम इस समय आपको दिखा रहे हैं मथुरा का जिलाधिकारी कार्यालय, और देखिए यहाँ पर ये पीड़ित व्यक्ति प्रशासनिक गलियारों में न्याय की गुहार लगा रहा है। फरह थाने का रहने वाला है धर्मपाल शर्मा। कहाँ के हो आप? फरह के? गांव करनपुर फरह। क्या नाम है आपका? धर्मपाल शर्मा। क्या मामला है? मामला एक पप्पी और जितेंद्र ने, बाल्मीकि समाज के ने हमारे ऊपर एक्सी एक्ट लगा दी है। बगैर बात के लगाता रहता है, कई आदमियों पर लगा दिए गांव करनपुर में। क्या नाम है उसका? जितेंद्र और पप्पी। कहाँ रहते हैं? गांव करनपुर में रहते हैं। अब डीएम साहब से क्या चाहते हैं? डीएम साहब से आए कागज देने के लिए, कैसे भी करके इसका वो हो जाए जांच। और इसने झूठे इल्जाम हम पे लगा रखे, कोर्ट तक घसी। थाना फरह पुलिस क्या कहती है? कुछ नहीं करती है। पुलिस को भी संज्ञान मामला पूरा है, आईजी के पास भी हो आए, पर कई कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो अब इन लोगों से क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। झूठा हम पे आरोप लगाया है एससी एक्ट का। कैसे सिद्ध करोगे एससी एक्ट का? मतलब झूठा आरोप लगाया है? झूठा आरोप लगाया है हम पर। कैसे भरोसा दिलाओगे? भरोसा कोर्ट में मुकदमा डाल दिया उनने हमारे खिलाफ। अच्छा, दो तीन मुकदमा डाल। चलिएगा, तो ये रहे थे धर्मपाल शर्मा, जो कि आए दिन कभी एसएसपी तो कभी डीएम ऑफिस पर नजर आते हैं। और अब देखते हैं कि इनका जो मामला है वो कुल मिलाकर एससी एसटी एक्ट का है। मसलन धर्मपाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब देखते हैं कि मथुरा पुलिस प्रशासनिक महकमा इनके मामले को क्या गंभीरता से ले पाता है, या फिर ये ढर्रा यूं ही जारी रहता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।